बड़ी खबर फिरोजाबाद से सामने आई है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु व किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने फिरोजाबाद जिले में तहसील टूंडला में 27 मई 2024 सोमवार को होने वाली किसान पंचायत के लिए पदाधिकारियों के लिए वीडियो जारी किया। किसानों की सूखती फसल को देख कर बहुत दुखी हुए उन्होंने, और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मैं भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति, सभी किसानों से निवेदन करता हूं कि हाथरस ब्रांच जो अपनी नहर है उसमें से सगरौली रजवा निकलता है और सोना माइनर, सिमराऊ माइनर, उमरगढ़ माइनर और गोथुआ माइनर, कितनी माइनर निकलती हैं, और ये क्षेत्र खारे पानी का है। अंग्रेजों के समय में ही इस क्षेत्र को नहर और रजवा और माइनरों से पाट दिया गया था, लेकिन लगभग 20 साल से इसका रोटेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मतलब हम मांग कर रहे हैं कि इसमें लगातार पानी चलना चाहिए, तो इसको लेकर सीलू सिकरवार तहसील अध्यक्ष टूंडला, एक बड़ी पंचायत नगला बीच के पास, नगला बीच एटा से टूंडला रोड पे बीच में पड़ता है कस्बा नगला बीच, नगला बीच के पास पश्चिम में मोहबल्ली गांव में हो रही है। वो 27 तारीख दिन सोमवार सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगी। उस पंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि यदि ये नहर विभाग हाथरस ब्रांच, सगरौली रजवा और उमरगढ़ माइनर, सोना माइनर, गोथुआ माइनर और सिमराऊ माइनर को सफाई करके और पानी देना एक महीने में कम से कम 25 दिन सुनिश्चित नहीं करते हैं तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन फिरोजाबाद में छेड़ दिया जाएगा। इसमें हमने निवेदन किया है कि फिरोजाबाद जिला की बात है तो आगरा मंडल, मैनपुरी फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा और अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, सब पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी ने बचा, कोई भी मोर्चे का पदाधिकारी और किसान भाई भी साथ हमें, क्योंकि पानी के बिना इस क्षेत्र का खारा पानी है। यहाँ से लोग भाग गए हैं और भाग जाएंगे क्योंकि फसल यहाँ नहर के पानी से ही हो पाएगी, इसलिए ये पंचायत बहुत आवश्यक है। इसमें सभा में जो नहीं आएगा वो अनुशासनहीनता में हटा दिया जाएगा। जय जय श्री राधे।